गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का प्रूफ दिखाने वाला हूँ जो ज़्यादातर अभी से नहीं काफ़ी टाइम से प्रचलन में है, लेकिन उन प्रूफ्स को मैं दिखाने के साथ साथ उनके बारे में कि वो प्रूफ सही है या गलत है उनको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। बस वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं वही पुरानी वाली कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं पहला प्रूफ कौन सा है। 2 + 2 = 5, ये आज से नहीं बहुत टाइम से हमारे टीचर्स या उनके टीचर्स ने उनको बताए। तो ये एक्चुअली है क्या, 2 + 2 = 4 होते हैं, लेकिन 5 हो कैसे जाते हैं वो समझते हैं। देखिए 2 + 2 क्या होता है, 4। 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन 5 कैसे होता है वो जानते हैं अब। 0 = 0, 4 - 4 = 5 - 5। अब 4 × 4 - 4 × 4, 5 × 5 - 5 × 5। अब 4 और 4 को कॉमन ले लेंगे, 1 - 1, 5 5 को कॉमन ले लेंगे, 1 - 1। इससे ये खत्म, 4 = 5 मीन्स 2 + 2 = 5। आप देख सकते हैं कितने इजीली ये प्रूव हो गया। दूसरा एक और क्वेश्चन इसी पे बन सकता है या लिया जाता है या और मैं बताया तो आपको, तो थोड़ा ध्यान से देखें। एक प्रूफ और लेते हैं, 0 = 0, 20 - 20 = 50 - 50, 20 कॉमन ले लेंगे, 1 - 1 लास्ट क्वेश्चन की तरह, 50 को कॉमन ले लेंगे, 1 - 1 लास्ट क्वेश्चन की तरह। इससे ये खत्म, 10 + 10 = 50, क्योंकि आप जानते हैं समझते हैं इस बात को कि 10 + 10 कभी 50 हो ही नहीं सकता। 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है। तो ये कहलाते हैं मैथमेटिकल एक्सेप्शंस। इनको एक्सेप्शंस क्यों कहा जाता है, ये जो काटा गया ये कैसे कट गया, डिवाइड कैसे होगा, इनके बारे में अभी आज थोड़ी देर में डिस्क्लोज करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 100 - 100 / 100 - 100 = 2। कितना है, 100 - 100 / 100 = 2। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे प्रूव हो सकता है। 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है, 100। तो 10 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर अपॉन, इसको लिखेंगे 10 × 10, 10 × 10। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, a^2 - b^2 = a + b और a - b। तो अब आप देखेंगे इसको 10 + 10 और इसको 10 - 10 लिखेंगे। यहां से 10 कॉमन लेंगे, 10 - 10, 10 - 10 से 10 - 10 खत्म, 10 + 10, 20/10, 10 × 20, तो कितना आंसर आया, 2। आंसर क्या मिला, 2।
तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 2 है। एक कुछ प्रूफ बताए मैंने आपको, अब मैं आपको इसके पीछे का जो राज है, जो मेन पॉइंट्स है, वो डिस्क्लोज करने वाला, क्योंकि इनके बारे में जब बच्चे जानते हैं ये प्रूव हो सकता है हाउ। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन टीचर से पूछा कि सर 2+2=5 क्या हो सकता है, तो टीचर ने कहा हाँ लेकिन गलती से। तो उस बच्चे को भी हंसी आ गई और टीचर को भी, सिंपल सी बात, गलती से ही हो सकता है। प्रूफ कर कर दिखाए जाते हैं या कोई भी टीचर्स आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, तो इसके पीछे का एक्चुअली आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये कभी भी ये प्रूफ वैल्यूएबल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुछ डिजिट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आप आज इस बात को जरूर चेक करना कि 10 को 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1। ओके, 1 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1। और अगर 0 को 0 से डिवाइड करें तो आएगा, सिंटैक्स है। कैलकुलेटर के अंदर, लेकिन मैथमेटिकली मींस इसका कोई आंसर ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि 0 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। और ये जितने भी क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे थे, उन क्वेश्चंस के अंदर यही कारण था। उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि 0 भट्टे में 0 कोई वैल्यू होती ही नहीं है, और इसी वैल्यू को लेकर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये प्रूफ हो कैसे गए। जरा देखते हैं, वापस प्रूफ पे चलते हैं। हेडिंग देते हैं डिस्क्लोजिंग ऑफ क्वेश्चंस। Hundred minus hundred upon hundred minus hundred equal to two plus two equal to five. Number 3, 10 plus 10 equal to 50। इनके बारे में जानते कि ये हुए कैसे, तो पहले केस का मैं आपको यही बताता हूं। 100 में से 100 गया, क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। और ऊपर 100 में से 100 गया, क्या बचेगा, 0। जो कि ये क्वेश्चन ही एप्लीकेबल नहीं है, क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है। लेकिन फिर भी इसको प्रूव कर दिखाया जाता। आप खुद देखिए, जब वैल्यू हम यहां रखेंगे तो वो 2 कैसे प्रूव हो सकता है। लेकिन मैथमेटिकल एक्सेप्शन में कुछ ऐसी डिजिट्स होती हैं कि उन रूल्स को हम अप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं जब वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको प्रूव कैसे किया जाए। सेकंड क्वेश्चन, 2+2 2+2=5। तो अभी जैसे आपने देखा था 0=0, क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया था, 0=0 लिया था, तो उसमें लिखा था 4-4=5-5। 4 कॉमन ले लिया था, 1-1 बचा, 5-5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को 1-1 बचेगा। अब ये काटा कैसे जाता है, इसका मतलब होता है इस पूरी डिजिट को भी 1-1 से डिवाइड करा और इस पूरी डिजिट को भी 1-1 से डिवाइड करा, तब ये कटता है। लेकिन आप खुद बताइए, जब डेनोमिनेटर में या डिवाइड में 1-1 आ जाएगा तो हाउ। ये आपको मैंने रूल बताया कि अगर डिवाइड में या अपॉन में या डेनोमिनेटर में 0 होता है तो सिंटैक्स एरर या इन्फिनिटी शो करता है। इसका मतलब ये हुआ ये पॉसिबल है ही नहीं। बस ये बता दिया जाता है बच्चों को शुरू से कि नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट कट जाती है,
तो 4 = 5 हो जाता है, जबकि ये कभी कट ही नहीं सकते, डिवाइड ही नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है डिवाइड होते तो आप आज ही कैलकुलेटर में चेक कीजिए, 1 - 1 ऐसे लिखिए ब्रैकेट के अंदर, डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट में 1 - 1, आपको कैलकुलेटर में शो करेगा सिंटैक्स एरर, और नॉर्मली टीचर्स बताएंगे इनफिनिटी, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप कि इनका प्रूफ क्या था, और इनको डिस्क्लोजिंग और क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूफ के साथ साथ ये कभी वैल्यूएबल या कभी प्रूफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि 0/0 की वैल्यू पता ही नहीं है। जब भी डेनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू ही हमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, 0 की वैल्यू हमें सिर्फ 0 बताई है, कभी भी 0 बनता 0 नहीं होता। हम जानते हैं ये 0 * 0 कर लिया, लेकिन अब आप खुद सोचिए 0 * 0 करेंगे तो 1 आना चाहिए ना, 0/0 है, अगर आप उससे भाग करें 0 * 0 तो आंसर को 1 आ जाना चाहिए, लेकिन वो 1 आता ही नहीं, वो सीधा सिंटैक्स एरर या इन्फिनिटी बताया जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप सभी समझ गए होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस थे और किस कैसे इनको प्रूव करके बच्चों को अमेजिंग किया जाता है, शॉक किया जाता है, हाउ 2 + 2 = 5, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।